हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल ज्ञापन अकेडमी। चलिए समझते हैं प्रकाश के अपवर्तन के नियमों के बारे में। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो कुछ नियमों को फॉलो करती है, इसीलिए प्रकाश के अपवर्तन का दो नियम है। ठीक है, तो चलिए समझ लेते हैं। ये माध्यम वन में ली हूँ वायु और माध्यम टू में ली हूँ जल। सिंपल। और ज़रूरी नहीं है कि माध्यम वन मैं वायु ली हूँ यानी कि हवा ली हूँ और माध्यम टू में जल यानी कि पानी ली हूँ तो आप भी हवा और जल लेंगे। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप यहाँ पर कांच भी ले सकते हैं, यहाँ पर हीरा भी ले सकते हैं। क्यों? हीरा एक माध्यम नहीं है? बिल्कुल है, हीरा में से प्रकाश गमन कर सकता है ना, तो इसीलिए हीरा भी एक माध्यम है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर सिर्फ सिंपल सा जो है ना एग्जाम्पल ली हूँ, वायु और जल। ठीक, माध्यम वन में वायु और जल ले ली हूँ। अब समझिए, पिछले वीडियो में मैं प्रकाश का अपवर्तन क्या है ये बहुत ही डिटेल से बताई थी। अब आगे समझिए, ये आ रही है किरण, इसीलिए इसको बोला जाता है आपतित किरण। और इस जिस बिंदु पर आती है इसको बोला जाता है, ये जो लाइन है इस लाइन को बोला जाता है अपवर्तक पृष्ठ या अपवर्तक सतह। इसको क्या बोलते हैं? अपवर्तक सतह, अपवर्तक सतह। और जिस बिंदु पर ये आपतित किरण इस अपवर्तक सतह के जिस बिंदु पर आती है इस बिंदु को बोलते हैं हम लोग आपतन बिंदु। ठीक, और इस ये आपतित किरण अपवर्तन के बाद यानी कि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने के बाद जो अपवर्तन होता है, ये जो लाइट चली जाती है, इसीलिए इस लाइट को अपवर्तक किरण कहते हैं। क्या बोलते हैं? अपवर्तित किरण, क्योंकि इसका अपवर्तन हो चुका है। ये लाइट आ रही थी आपतित किरण, जिस बिंदु पर आ रही थी उस बिंदु को आपतन बिंदु, और अपवर्तन हो गया तो उस किरण को क्या बोलेंगे? अपवर्तित किरण, चली गई यानी कि अपवर्तित किरण। ठीक, आगे बढ़े। अब देखिए, प्रकाश के अपवर्तन का जो पहला नियम है वो बोलता है कि आपतित किरण आपतन बिंदु पर अभिलंब, यानी कि ये जो आपतित किरण है जो एक माध्यम से आ रही है होकर, और जो आपतन बिंदु पर अभिलंब यानी कि ये जो अभिलंब है, इसको अभिलंब बोलते हैं ना, ये सारा चीज़ मैं बता चुकी हूँ इसके पहले वाले वीडियो में, अभिलंब। ठीक, ये हो गया अभिलंब। तो आपतित किरण और ये अभिलंब और अपवर्तित किरण, आपतित किरण आपतन बिंदु पर अभिलंब और ये अपवर्तित किरण जो चली गई है, ये तीनों एक ही समतल में होते हैं। देखिए, आपतित किरण एक, अभिलंब दो और ये अपवर्तित किरण तीन, ये तीनों जो होते हैं ना एक ही तल में होते हैं, एक ही समतल में होते हैं। मतलब क्या, आप ज़रा बताइए, ये जो मैं आपतित किरण लेकर खींची हूँ, आपतित किरण को किस पर खींची हूँ? बोर्ड पर। अभिलंब को खींची हूँ, इसको भी बोर्ड पर खींची हूँ, और ये अपवर्तित किरण गई है इसको भी मैं बोर्ड ही पर खींची हूँ। इसका मतलब ये जो लाइन में खींची हूँ ये इसका तल जो है, जो तल वो बोर्ड है। ठीक, और आपतित किरण का भी तल बोर्ड है, अभिलंब का भी तल बोर्ड है, और ये अपवर्तित किरण का भी क्या है? बोर्ड तल है। यानी कि ये तीनों एक ही तल में आ रही है। ऐसा तो नहीं हो रहा है कि आपतित किरण इस तरह आ रही है और आकर आपतन बिंदु से आपकी तरफ चली जा रही है, ऐसा तो नहीं ना हो रहा है? ये एक ही तल में आ रही है, आपतित किरण अभिलंब और आपतन बिंदु पर अभिलंब और अपवर्तित किरण, तीनों एक ही तल में होंगे। जैसे कि मान लीजिए, एक मिनट, एक एग्जांपल लीजिए। मान लीजिए ये जो लाइट है, इसको लाइट मान लीजिए मार्कर को। ठीक, इस अगर ये लाइट इस तरह, ये जो आपतित किरण है इस तरह आई, अगर ये इस तरह जाती, अगर ये इस तरह जाती तो इसका तल क्या होता? ये होता। या फिर ये लाइट इस तरह आती और इस तरह होकर आपके तरफ इस तरह जाती तो इस लाइट का तल ये होता, लेकिन इस लाइट का जो तल है जो आ रही है वो अपवर्तित होकर बोर्ड का तल है। यानी कि जब भी अपवर्तन होगा, आपतित किरण अभिलंब और अपवर्तित किरण तीनों एक ही तल में होंगे। ठीक है, ये पहला नियम कहता है। तो पहला नियम क्या है? आपतित किरण आपतन बिंदु पर अभिलंब और अपवर्तित किरण तीनों एक ही तल में होगा। दूसरा नियम क्या बोल रहा है? किन्हीं दो माध्यमों और प्रकाश के किसी विशेष वर्ण के लिए, यानी कि अगर आप दो माध्यम फिक्स कर लेते हैं, जैसे कि मैं फिक्स कर ली हूँ वायु और जल,
यानी कि पानी और हवा को फिक्स कर ली हूँ। आप दो माध्यम कोई भी ले सकते हैं, आप कांच या फिर हीरा ले सकते हैं, या फिर आप जल और हीरा ले सकते हैं, या फिर कांच वायु ले सकते हैं, हवा ले सकते हैं, कोई भी दो माध्यम फिक्स कर लीजिए और उसके बाद से प्रकाश का किसी वर्ण फिक्स कर लीजिए, यानी कि रंग ले लीजिए। दो माध्यम फिक्स कर लीजिए और एक कोई कलर ले लीजिए, जैसे कि मैं ले रही हूँ रेड कलर, यानी कि रेड कलर को इससे होकर गुजारूंगी। ठीक, कोई एक कलर ले लीजिए। और विशेष वर्ण के लिए आपतन कोण की जया और अपवर्तन कोण की जया का अनुपात एक नियतांक होता है। जया का मतलब होता है साइन। अच्छा, एक और बात बताइए, ये जो आपतित किरण जो है ना, इस तरह आती है और इस अभिलंब, आपतित किरण और अभिलंब, इन दोनों के बीच जो कोण बनता है ना, इस कोण को बोला जाता है आपतन कोण। क्या बोला जाता है? आपतन कोण। और इसको किससे सूचित किया जाता है? एंगल आई से। किससे सूचित किया जाता है? आई से। और इस अपवर्तित किरण, ये जो किरण अपवर्तित हुई है, इस अपवर्तित किरण और इस अभिलंब, इन दोनों के बीच के कोण को बोलते हैं हम लोग अपवर्तन कोण। क्या बोलते हैं? अपवर्तन कोण। और इसको सूचित किया जाता है, डिनोट किया जाता है एंगल आर से। यानी कि आपतन कोण, आपतित किरण अभिलंब के बीच के कोण को आपतन कोण, इसको किससे सूचित किया जाता है? एंगल आई से। और आपतन कोण यानी कि अपवर्तन कोण किसे कहते हैं? अपवर्तित किरण और अभिलंब, इन दोनों के बीच के कोण को अपवर्तन कोण कहते हैं, जिसको कोण आर यानी कि एंगल आर से सूचित किया जाता है। ठीक, अब जरा यहाँ पर समझिए, आप दो माध्यम फिक्स कर लिए, प्रकाश का एक कलर ले लिए, रंग ले लिए, उसमें ये जो आपतन कोण की जया, जया का मतलब होता है साइन, आपतन कोण का साइन कीजिए। आपतन कोण को किससे सूचित किया जाता है? आई से, यानी कि साइन आई कीजिए। और फिर अपवर्तन कोण की जया, देखिए यहाँ पर अपवर्तन कोण की जया, यानी कि अपवर्तन कोण क्या है? एंगल आर। और जया का मतलब क्या होता है? साइन। आप लोग मैथ में पढ़े होंगे ना, साइन थीटा कॉस थीटा, वही है। तो साइन आई और अपवर्तन कोण का जया कीजिए, यानी कि साइन आर हो गया। आपतन कोण और अपवर्तन कोण की जया का अनुपात, अब इनका अनुपात कर दीजिए। अनुपात का मतलब भाग, यानी कि इन दोनों को भाग लगाएंगे तो इनका जो मान आएगा ना, वो हमेशा नियतांक आएगा, नियतांक आएगा। अब जरा यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर कई लोगों को समझ ही में नहीं आता है, बोलते हैं कि कुछ नहीं समझ में है। इसमें समझने वाला क्या बात है? देखिए, बहुत आसानी से समझ में आएगा, ध्यान दीजिए मैं जो बोल रही हूँ। ये जो आपतन कोण है, मान लीजिए इस किरण को, एंगल आई को आपतन कोण बोलते हैं, एंगल आर को अपवर्तन कोण बोलते हैं। मान लीजिए एक बार मैं माध्यम ले ली हूँ फिक्स, कलर भी ले ली हूँ फिक्स, अब मैं एक बार आपतन कोण को, आपतन कोण पर, मान लीजिए आपतन कोण ले रही हूँ मैं 30 डिग्री, 30 डिग्री ले रही हूँ, यानी कि 30 डिग्री पर इस आपतित किरण को भेज रही हूँ, और हमें मान लीजिए अपवर्तन कोण मिल रहा है 20 डिग्री, ठीक है, 20 डिग्री। मान लीजिए, ज़रूरी नहीं कि 30 डिग्री और 20 डिग्री होगा, मानने के लिए मैं बोल रही हूँ, ठीक है। तो आपने 30 डिग्री पर क्या भेजा? आपतित किरण। अपवर्तन होने के बाद मान लीजिए 20 डिग्री हुआ, तो यानी कि इसका साइन निकालिए, साइन आई क्या है? साइन आई, यानी कि साइन आई के जगह आई का मान कितना है? 30, तो आई के जगह 30 भरिए। फिर साइन आर है ना, तो आर के जगह 20 भरिए, यानी कि साइन 20। और मैथ के हिसाब से आप लोग देख लीजिए, साइन 30 का मान कितना होता है और साइन 20 का मान देख लीजिए कितना होता है। और फिर बराबर जितना मान आएगा यहाँ पर, मान लीजिए यहाँ पर 6 आ गया, मान लीजिए यहाँ पर 6 आंसर आ गया। अब फिर लीजिए एक और दूसरा एंगल चेंज कीजिए, अब आपतन, इस आपतित किरण को ना आप लोग भेजिए 45 डिग्री पर, ठीक है। और मान लीजिए अपवर्तन कोण यानी कि एंगल आर मिल रहा है आपको 30 डिग्री, 30 डिग्री। फिर आप कीजिए इसका साइन 45, और फिर कीजिए साइन यानी कि एंगल आई और एंगल आर, साइन का साइन आई और साइन आर, फिर साइन 45 और साइन 30। फिर आप इन दोनों का करेंगे ना, इन दोनों को सॉल्व करेंगे, ये साइन 45 डिग्री और साइन 30 डिग्री का मैथ के हिसाब से मान देख कर निकालेंगे, तो वो भी 6 ही आएगा। फिर आप कोई और एंगल लीजिए, मान लीजिए 60 डिग्री लिए, आपका अपवर्तन कोण यहाँ पर अपवर्तन हुआ तो आ गया
45 डिग्री, फिर आप साइन 60 डिग्री निकालिए, यहाँ पर साइन 60 डिग्री निकालिए और फिर साइन आर यानी कि 45 डिग्री निकालिए, इसका भी मान 6 आएगा। यानी कि अगर आप दो माध्यमों को एक कर लिए, फिक्स कर लिए हैं और कलर को भी फिक्स कर लिए हैं कि हाँ हम रेड लेंगे, तो आप जितना भी एंगल पर आपतित किरण को भेजेंगे तो अपवर्तन जितना भी मिलेगा उन दोनों का अगर आप साइन करेंगे यानी कि जया निकालेंगे ना, उनका अनुपात निकालेंगे, तो हमेशा मान समान आएगा, हमेशा मान समान आएगा। यानी कि आप कितना भी एंगल पर भेजिए और उसका साइन निकालिए, साइन आई बटा साइन आर, जया का मतलब क्या होता है साइन, उनका साइन निकालिए, हमेशा मान एक ही आएगा। और इसी को बोला जाता है नियतांक, यानी कि बार बार समान अंक प्राप्त होना नियतांक कहलाता है। बार बार आप साइन आई बटा साइन आर करेंगे, साइन आई बटा साइन आर करेंगे, हमेशा कोड चेंज कर तो आपका हमेशा मान समान आएगा, इसीलिए इसको बोला जाता है नियतांक है। और नियतांक को फिजिक्स में एक नाम दिया जाता है, ये समझ में आ गया ना, मिटा दे रही हूँ। नियतांक को फिजिक्स में एक नाम दिया जाता है और वो नाम कहलाता है अपवर्तनांक, ठीक है। यानी कि किन्हीं दो माध्यमों और प्रकाश के किसी विशेष वर्ण के लिए आपतन कोण की जाए यानी कि साइन आई और अपवर्तन कोण की जाए यानी कि साइन आर का अनुपात यानी कि इनको भाग करेंगे तो एक नियतांक आएगा, यानी कि हमेशा मान समान आएगा, उसी को बोला जाता है अपवर्तनांक, ठीक है। उसी को क्या बोला जाता है, अपवर्तनांक। अब ये अपवर्तनांक को हम लोग डिटेल में जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन सुनिए, ये जो नियम है ना, इस नियम को स्नेल ने दिया था, इसीलिए इस नियम को ना बोला जाता है स्नेल का नियम, स्नेल का नियम, स्नेल्स लॉ। इस नियम को क्या बोलते हैं, स्नेल लॉ यानी कि स्नेल का नियम, ठीक है। तो प्रकाश के अपवर्तन यानी कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के दो नियम हुए। पहला आप अपने माइंड से सोचिए, आपतित किरण जो आने वाली किरण है और आपतन बिंदु पर अभिलंब और अपवर्तित किरण यानी कि जाने वाली किरण, ये तीनों एक ही तल में होंगे, ठीक है। दूसरा नियम क्या है, आप किसी दो माध्यमों को चुन लीजिए, फिक्स कर लीजिए, यानी कि किन्हीं दो माध्यमों और प्रकाश का कोई एक वर्ण ले लीजिए, वर्ण मतलब होता है कलर, और कलर चुनकर आप साइन आई कीजिए यानी कि आपतन कोण कीजिए और अपवर्तन कोण कीजिए, दोनों का अनुपात निकालिए, हमेशा मान समान आएगा यानी कि नियतांक आएगा, और उसी नियतांक को क्या बोलते हैं, अपवर्तनांक। और ये नियम किसने दिया था, स्नेल ने, और इसीलिए इस नियम का क्या नाम हो गया, स्नेल्स का नियम, ठीक है, स्नेल नियम। यहाँ तक समझ में आया, बहुत अच्छा, स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट, यहाँ तक समझ में आ गया। अब अपवर्तनांक को मैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही अच्छे तरीके से समझाऊंगी, क्योंकि अपवर्तनांक भी एक ऐसा टॉपिक है जो बहुत सारे लोगों के दिमाग में घुसता ही नहीं है, समझ ही में नहीं आता है। अपवर्तनांक को एन से सूचित किया जाता है, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, जो मैं पढ़ा रही हूँ समझ में आ रहा है तो कमेंट कर ज़रूर बताइए, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद और खुदा हाफिज़।